लोकसभा चुनाव के चौथे मरहले का होया मतदान, देश के कई हिस्सों च दरमियाने शा तेज मतदान दर्ज। श्रीनगर लोकसभा सीट उपर भी होया रमानदारी कन्नै मतदान, संजा 5 बजे तोड़ी 36.1% वोट पाए गए। मतदान केंद्र पर विस्थापित कश्मीरी मतदाताएं बलि चढ़िया किया मतदान। सीबीएसई ने 12वीं जमात के नतीजे का किया ऐलान, 87.98% विद्यार्थी होए पास। नमस्कार, डोगरी खबरें च तुंदा स्वागत है। हुन पेश न खबरां विस्तार कन्नै। लोकसभा चुनाव के चौथे मरहले लिए अज वोट पाए गए। इस मरहले च बक-बक निर्वाचन हल्कें च दरमियाने दर्जे के मतदान की जानकारी थोई है। चौथे मरहले च 9 राज्यों ते 1 केंद्र शासित प्रदेश च फैले दे 96 संसदीय निर्वाचन हल्कें च अज वोट पाए गए। वोट पाने का काम बडले 7 बजे शुरू हुआ, जिहड़ा संजा 6 बजे तोड़ी चलिया। चुनाव आयोग ने आख्या जे मतदान च मतदाताओं की हिस्सेदारी बधाने लिए किश थारे मतदान का समय बधाई दिता गया। जिन्हें प्रमुख उम्मीदवारों की राजनीतिक किस्मत अज ईवीएम च कैद हुई गई, उनके च भारतीय जनता पार्टी के नेता गिरिराज सिंह, अर्जुन मुंडा, जी किशन रेड्डी, जेडीयू के राजीव रंजन सिंह, समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव, कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी शामिल ने। तृणमूल कांग्रेस दिया महुआ मोइत्रा, शत्रुघ्न सिन्हा, AIMIM के असदुद्दीन ओवैसी भी चुनाव मैदान च ने। जम्मू कश्मीर ते श्रीनगर लोकसभा निर्वाचन हल्के च चौथे मरहले दा मतदान रमानदारी कन्नै होया। जम्मू कश्मीर दे मुख्य चुनाव अधिकारी दे दफ्तर थमां हासिल जानकारी दे मुताबिक संजा 5 बजे तोड़ी 36.1% मतदान दर्ज किया गया। इत्थुआं 24 उम्मीदवार मैदान च ने। धारा 370 दे हटाए जाने दे मगरा कश्मीर च यह पहला बड़ा चुनाव होया करदा है। चाडोरा निर्वाचन हल्के च पहली बारी वोट पाने वाले मतदाताएं आख्या जे उन्हें पूरी उम्मीद है जे जिस भी उम्मीदवार की उन्हें वोट पाया वह उनके आसे मेदें पर पूरी चाली खरा उतरग। पुलवामा च भी लोकसभा चुनाव च मतदान की लेइयै लोकें च बडले थमां गया उत्साह देखा गया। नाजीन इलाके च 4 गुलाबी मतदान केंद्र बनाए गए दे हैं, जिंदा कामकाज पूरी चाली महिला कर्मचारी आसिया कीता जा करदा रहा। इन्हें मतदान केंद्रों की स्थापित करने का मकसद महिलाएं की मती शा मती हिस्सेदारी की यकीनी बनाना है। जम्मू च कश्मीरी विस्थापितें बधी चढ़िया मतदान च हिस्सा लिया। तलाब तिल्लो दे कृषि कार्यालय च बनाए गए विशेष मतदान केंद्र च बडले थमां गै वोट पाने लई मतदाताएं रींगा लाइयै खड़ोते दे रहे। दूरदर्शन कन्नै गलबात करदे होई लोकें आख्या जे अज उन्हें अपना वोट पाया ते उह इह चाहुंदे ने जे खरी सरकार बने जिहड़ी देश दे हित च होए ते देश दे फायदे लई काम करे। हमने हमारा फर्स्ट टाइम है वोट डालने का, बहुत एक्साइटमेंट थी, सो हम वोट डाल के आ गए। वेट करिया करते हैं कभी इलेक्शन कदों आएंगे, तो हूँ आया तो असं चाहते हैं कभी अच्छी सरकार बनी। हाँ जी, काफी एक्साइटेड था मैं, काफी अच्छा लगा यहाँ पे आके। जम्मू के बख-बख हिस्सों बनाए गए विशेष मतदान केंद्र पर मतदान करने वास्तव विस्थापित कश्मीरी मतदाता मते जागरूक लभे तो उन्हें बड़े गए उत्साह कन्नै रिंगे च लगी है बधी चढ़ी है अपने वोट पाए। वोट डालने आए थे, पहले हमारे माताजी ने भी डाला, हमने भी डाला, बहुत अच्छा इंतजाम है गवर्नमेंट की तरफ से। मैं 18+ हूँ और मेरा आज फर्स्ट टाइम है यहाँ आके वोट देने का, और आई एम एक्साइटेड कि मैं यहाँ फर्स्ट टाइम वोट दे रही हूँ, अपने पावर का इस्तेमाल कर रही हूँ। मैं चाहती हूँ सारे यंगस्टर्स भी ये सब करें और वोट देना हमारा हक है, और हम बड़ी खुशी से 10 काम छोड़ के आए हैं ताकि हम वोट दें और बहुत अच्छी सी सरकार जो भी हमारे लिए बहुत अच्छी बेनिफिशियल हो उसको चुने। कश्मीरी विस्थापित तबके के मतदाताएं सख्त सुरक्षा इंतजाम हेठ जम्मू के नगरोटा जगती कैंप च बनाए गए विशेष मतदान केंद्र च बड़े गए उत्साह कन्नै वोट पाए। मतदाताएं उनके लिए एक चेचे इंतजाम करने वास्ते प्रशासन का धन्यवाद किया। नमस्कार।
और मैं बहुत ही खुश हूँ वोट डाल के, और मैं चाहती हूँ कि सभी वोट डालें। इस टाइम वोट किया है, हमें वोट करना चाहिए। मैंने अपने घर वालों से एक्सपीरियंस था, देखा है मैंने इसलिए फर्स्ट टाइम दिया। उधमपुर च कई इलाके थमां अपनी मातृभूमि शा दूर रवा करदे कश्मीरी विस्थापित है अज विशेष मतदान केंद्र च वोट पाने दे अपने अधिकार दा इस्तेमाल किया। श्रीनगर संसदीय निर्वाचन हल्के लिए अज वोट पाए गए। मतदान केंद्र पर उत्साह ते पक्के इरादे दा माहौल बने रहा। महिला उम्मीदवारों के कन्नो कन्नी पहली बारी वोट पाने आले मतदाता भी शामिल है। निर्वाचन आयोग की इस पहल कन्ने लोगों च खुशी ही ते उन्हें बगैर कुसा परेशानी के वोट पाए। जम्मू च एक, उधमपुर च एक ते दिल्ली च चार विशेष मतदान केंद्र कश्मीरी विस्थापित मतदाताओं लिए बनाए गए हैं। अपने मतदान, अपने जो हक है मेरा कर्तव्य का पालन करने के लिए निकला हूं। देश के लोकसभा चुनाव के तहत पंजे मरहले लिए मतदान 20 मई की करवाए जाने ने केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर च भी एदे लिए चुनाव की तैयारी तेजी कन्नै चला कर दी है। कश्मीर वादी च त्रै लोकसभा सीटें पर हुआ करदे चुनाव की दिखते हुए उम्मीदवारों च मता उत्साह है। उत्थे गै चुनाव आयोग ने भी सबने मतदान केंद्रों पर मत प्रतिशत च वाधा करने लिए कमर कसी लैती दी है। मतदाताओं की जागरूक बनाने के मकसद कन्ने निर्वाचन आयोग ने भारत पाकिस्तान बन्ने दे लागे देश के पहले मतदान केंद्र कुपवाड़ा च सीमारी थार तिरंगा रैली कढ़ी, जिहदे च मकामी लोगों बधी चढ़िया हिस्सा लिया। बिहार के मुजफ्फरपुर च प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और विशाल जनसभा की संबोधित करते हुए लोगों थमां पुछया जे एक डरपोक प्रधानमंत्री क्या देश चलाई सकता है, ते विरोधी धड़े उपर तंज करते हुए आख्या जे ये लोग इन्ने डरे दे ने जे राती सुखने भी पाकिस्तान के एटम बंब दे आंदे ने। चला सकता है क्या? आप कल्पना कर सकते हैं ये लोग इतने डरे हुए हैं, इतने डरे हुए हैं, इनको रात में सपने में भी पाकिस्तान का परमाणु बम दिखाई देता है। अब ऐसी पार्टियां, ऐसे नेता जिनको रात में भी सोते सोते पाकिस्तान का परमाणु बम दिखाई दे, क्या इनको देश दे सकते हैं क्या? ऐसे लोगों को देश दे सकते हैं क्या? ये कांग्रेस के नेताओं के, इंडी गठबंधन के नेताओं के कैसे कैसे बयान आ रहे हैं। कहते हैं कि पाकिस्तान ने चूड़ियां नहीं पहनी है। अरे भी पहना देंगे, अब उनको आटा भी चाहिए, उनके पास बिजली भी नहीं है। अबे हमें मालूम नहीं है कि उनके पास चूड़ियां भी नहीं है। लोकसभा चुनाव के प्रचार दौरान एक दूए पर दोष लाने का सिलसिला जारी है। कांग्रेस नेता रायबरेली थमां लोकसभा लिए उम्मीदवार राहुल गांधी और विशाल जनसभा की संबोधित करते हुए आख्या जे रायबरेली उनकी कर्मभूमि है, तो इसे करी वह इतने आए हैं। इस दौरान उन्हें बीजेपी उपर जोरदार तरीके से हमला किया। हिंदुस्तान की सरकार कानूनी मिनिमम सपोर्ट प्राइस अपने किसानों के लिए लाने जा रही है। किसानों को बीमा का पैसा मिलेगा और 30 दिन के अंदर बीमा का पैसा मिलेगा। इस भीड़ में से हजारों लोगों की लिस्ट बनेगी। लिस्ट में से हर परिवार में से एक महिला का नाम चुना जाएगा। उस महिला के बैंक अकाउंट में 50,000 नहीं, 70,000 नहीं, 90,000 नहीं, 1,00,000 रुपया साल का अंदर जाएगा। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 12वीं जमात के नतीजे का ऐलान कर दिया है। विद्यार्थी नतीजे वेबसाइट cbserizult.nic.in से cbse.gov.in, डिजी लॉकर समेत और दूए डिजिटल प्लेटफार्म उपर देखी सकते हैं। इस बारे सीबीएसई की 12वीं जमात के इम्तिहान लिए 16,33,730 विद्यार्थियों ना दर्ज करवाए गए हैं, जिंदा 16,21,224 विद्यार्थी इम्तिहान च बैठे। इंद 14,26,420 विद्यार्थी इम्तिहान च पास होए। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता ते केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह होरें ऐतवार कौशंबी च एक चुनावी जनसभा की संबोधित करते हुए आख्या जे पाकिस्तान के नजायज कब्जे वाले कश्मीर
भारत का हिस्सा है तो अस उसी वापस ले आओगे। मणिशंकर अय्यर ते फारूक अब्दुल्ला उनके बयान पर उन्हें नाराजगी जताई ते विरोधी धड़े पर जोरदार हमला करते हुए उन्हें आख्या जे विरोधी धड़े की छड़ा वोट बैंक की फिक्र है। कांग्रेस ने 70 साल धोड़ी राम मंदिर की अगड़ा पायदा रख्या। मोदी और 5 बरें च गए भूमि पूजन किया राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा भी करी दी। रियासी जिले च शिवखोड़ी की पवित्र गुफा धार्मिक सैलसफा की थार के तौर पर लगातार लोगों से लोकप्रिय होती जा करती है। इस चाली की मानता है जे इस मंदिर च भगवान शिवें के दर्शन हो जाए तो थोड़ा स्वर्ग च जाना तय है। शिवखोड़ी एक नई गुफा है जिथे भगवान शिव अपने पूरे परिवार कन्ने वास करते हैं। मानता है जे इस गुफा का रस्ता सीधा स्वर्ग लोक आली बखी जाता है कि जे इतने स्वर्ग लोक आली बखी जाने आलिया पौड़ियां भी बनी दी ने। कन्ने गए इस गुफा का दूआ सिरा श्री अमरनाथ जी की गुफा आली बखी निकलता है। ऐसा लगा कि बहुत कंजस्ट होगा, सांस आने में दिक्कत होगी, लेकिन अंदर जाके इतनी शांति और इतना अच्छा फील हो रहा है और इतनी खुली जगह भी फील हो रही है वहाँ पे। जो भी भक्त जहाँ पे आता है तो भोले बाबा जी उनकी जो मनोकामना है वो पूर्ण करते हैं। देवादि देव नाम शिव है और खोड़ी डोगरी में गुफा को कहते हैं। ये जो एक मार्ग है वो अमरनाथ को जाता है, जहाँ से भगवान भोलेनाथ मैया पार्वती जी को अमर कथा सुनाते हुए अमरनाथ को निकले। गुफा के अंदर का नजारा और अंदर की एनर्जीज की अगर बात करें तो शायद किसी स्वर्ग से कम नहीं है। दूरदर्शन समाचार के लिए शिवखोड़ी गुफा से दविंदर ठाकुर। पुंछ जिले थमां अज उपर जाने वाले 42 अज यात्रियों का पहला जत्था मुगल सिड़क राही श्रीनगर लिए रवाना हुआ। यह अज यात्री 15 मई की श्रीनगर थमां हवाई जहाज राही मक्का जांगन। अज यात्रा पर जाने वाले यात्रियों लिए अज ईदगाह मसीद च विदाई समारोह का सरिस्ता किया गया है, जिदे च बड़ी बढ़ गिनती च अज यात्रुओं के परिवार आले ते उन्हें की विदा करने आए थे प्रशासनिक अधिकारी भी मौजूद है। डिस्ट्रिक्ट पुंछ में से 122 हाजियों ने जाना है। पहली फ्लाइट में 46 इंटरनेशनल एयरपोर्ट श्रीनगर से जाएंगे और इसका पहला काफला जो है वो आज यहाँ पुंछ से डीसी साहब और एसएसपी साहब ने हरी झंडी दिखा के उनको श्रीनगर एयरपोर्ट के लिए राई बाई की बढ़ावा देने से देसी तरीके कन्ने राई बाई की बढ़ावा देने के मकसद कन्ने महकमे आसिया चलाए जा करदे राई बाई के पूरे पराते विकास संबंधी कार्यक्रम के तहत करसाने की हाईटैक पॉलीहाउस दिते जा करदे ने। सांबा जिले च आने वाले डोई ग्रां के किसान श्याम सिंह और पॉलीहाउस बनाए दा है। सांबा जिले के कृषि अधिकारी मदन गोपाल और दसिया जे जिले च अजे तोड़ी 5 पॉलीहाउस दिते गए हैं, जिंद चा 4 च फसल लाई गई है, एक उपर काम चला करता है। एग्रीमेंट किया और ये पॉलीहाउस बनवाया, बनवाने के बावजूद ये पौधे भी लगाए, आज ये पौधे जो हैं फ्लावरिंग पर पहुंच गए। तो सर बात ऐसे है कि ये हर किसान को करना चाहिए, ये बड़ी फायदेमंद चीज है। एक्जोटिक वेजिटेबल डेवलपमेंट का ये प्रोजेक्ट है जिसमें से हम वो ये फार्मर्स जो हमारे जमींदार भाई हैं इनको हम ये सब्सिडी देते हैं और सबसे ज़्यादा सब्सिडी का कंपोनेंट अगर किसी इसमें है प्रावधान है किसी का तो हाईटेक पॉलीहाउस में है। डिप्टी कमिश्नर रामबन बसीर उल हक चौधरी और एक बैठक की प्रधानता करते हुए पट्टी दर्ज जाति के 1999 आले पट्टी दर्ज जनजाति उपर अत्याचारें की रोकथाम आले अधिनियम ते 1955 बरे आले नागरिक अधिकारें की राखी हिफाजत आले कानून की अमलावरी की समीक्षा की। इंदा मकसद पिछड़ा तबके की भलाई बेहतरी ते उन्दे अधिकारें की राखी हिफाजत की यकीनी बनाना ते उन्दे खिलाफ की जाने वाली जातियों ते फरको फरकी की रोकथाम करना है। कमेटी ने जिला इंतजामिया को दर्ज अत्याचारें संबंधी बख-बख मुद्दे बारे चर्चा की, पीड़ितों की माली सहायता सने उन्हेंगी आराम पजाने आले और दुए ईले बारे भी सलाह सूत्र किया। डिप्टी कमिश्नर और सबने मैंबरें की हिदायत जारी की जे इन्हें कानूने मुताबक कुसा भी व्यक्ति कन्ना होने वाली जाति उपर रोक लाई जा, उन्हें इस बारे जिले च जागरूकता पैदा करने ते लोकें गी इन्हें कानूने बारे शिक्षित करने पर भी जोर भरिया। रामबन के डिप्टी कमिश्नर बसीर उल हक चौधरी और एक बैठक की प्रधानता करिए लोड़मंद बच्चे की माली सहायता देने वजीफा स्कीम तहत मंजूर किए गए मामले बारे चर्चा की। इस मौके दसा गया जे हाल के समय च गए जिले च इन्हें मामले की गिनती 58 थमां बधिया 201 हो गई ते इस 40 नवे पंछाण किए गए 143 मामले का वादा किया गया है। वजीफा ते बच्चे की मदद करने लिए मंजूरी देने वाली कमेटी ने हर एक मामले बारे चर्चा मगरा 143 वाधू मामले की मंजूरी दे दी। कमेटी ने सबने संबंधित पक्षों की आख्या जे वह इन्हें मामले की बाल कल्याण समिति कोल भेजी देन ताजे मुकामी जांच मगरा इस बारी जरूरी हुक्म जारी किए जा सकन। मंजूरी थोई जाने मगरा इन्हें बच्चे की नियम कायदे मुताबक वजीफे थोन लगी पौंगन।
भारत फ्रांस बशकार अजे थमां संयुक्त फौजी अभियान शक्ति का सत्तवां संस्करण शुरू हुआ करता है जिहड़ा मकसद दोनों देशों बशकार रक्षा संबंधी निग्गर बनाना है। मेघालय के उमरई च यह फौजी अभियान अजे थमां 26 मई तोड़ी आयोजित किया जाग। भारतीय फौज का आखना है जे इस मुहिम का मकसद दोनों देशों की सैन्य समर्थ च वाधा करना है। इसके अलावा दोनों देशों की फौजों बशकार आपू चे तालमेल से बेहतर संबंध च भी मदद थोग। डोगरी खबरें दे इस बुलेटिन च इन्ना गै। नमस्कार।